गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल DYK। तो आज बेसिकली हम लोग जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प, जो कि फिलीपींस में, उसका एक फुल टूर के लिए। मतलब अभी पहले आप कुछ शॉर्ट्स देख लीजिए, फिर उसके बाद हम चलेंगे सीधा वीडियो पे। हाय गाइस, ये रहा अपना परपेचुअल। ये बेसिकली ये परपेचुअल का बिल्डिंग है, इसका नाम है तमायो टावर। और यहाँ पे जनरली MD के क्लासेस एंड ऑल लगते हैं। और इसके जो ऊपर के दो फ्लोर हैं वो हॉस्टल हैं, मतलब फ्रेंड्स वालों का मेनली, और MMI की साइड। और इसके पीछे जो है हॉस्पिटल है, और ये रहा अपना गेट परपेचुअल का। तो इसके अंदर चलते हैं अभी, चलिए। और जनरली ये 200 मीटर का एक लंबा सा वॉक है, तो आपको डेली करना पड़ेगा ताकि आपका हेल्थ एंड ऑल सब कुछ फिटनेस सही रहे। ये सोच के साथ परपेचुअल एनिमल बनाया लंबा सा वॉक। और जनरली यहाँ पे जैसे इंडिया के रिक्शा होते हैं ना, तो उसका छोटा वर्जन भी यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे चलता है यहाँ से वहाँ तक, लाइक जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए। और ये स्टेयर केसेस ये रहा, ये मतलब हॉस्टल की तरफ जाता है, बॉयज़ हॉस्टल। और यहाँ पे भी अगर आपको रहना है तो आपको फ्रेंड्स या MMI से होने चाहिए। NBF और ये छोटे मोटे एजेंसी जैसे हम हैं, तो हम यहाँ पे नहीं रह सकते बेसिकली में NBF से। तो यहाँ आगे चलते हैं। तो आज अभी पता नहीं रिक्शा है और है नहीं, ऑब्वियसली कोविड के लिए कोई तो आता जाता नहीं होगा, इसीलिए कोई है ही नहीं यहाँ पे, पूरा सन्नाटा सा मचा हुआ है। इतना सन्नाटा होता नहीं, वैसे अजीब सा लग रहा है ऐसे आके। ये रहा यहाँ पे दूसरा गेट जहाँ से एंट्री मिलता है यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पे जनरली कार्ड वार्ड दिखा के जाना होता है, मेरे पास तो है नहीं कुछ कार्ड वार्ड, देखते हैं क्या होता है, छोड़ता है कि नहीं। वाह, गार्ड ने आया टेम्परेचर चेक किया, फिर ऐसे बोल तो नहीं सकता कि वीडियो शूट पे जा रहा हूँ क्योंकि कार्ड वार्ड है नहीं, तो बोला ऐसे ACR लेना है ऑफिस से, तो जाके छोड़ा। अच्छा आ गया, ये लोग कोविड ने मतलब पूरा यूनिवर्सिटी को अंधेरा अंधेरा सा बना दिया, ना लाइट ना कुछ। और ये आ गया जो इंटरनेट में बहुत सारे पिक्स में देखा होगा आपने, ये ग्राउंड जो है परपेचुअल का। और ये स्कूल है, जैसे इंडिया में होता है ना किंडरगार्टन नर्सरी के लिए, तो वैसा ही है यहाँ पे भी प्राइमरी स्कूल। और ये रहे स्लाइड्स एंड ऑल, जो बचपन में फिसलते रहते थे हम लोग। तो ये रहा ग्राउंड अपना, और दिख अच्छा रहा है, पर इंडियन के लिए ऐसा है पूरे साल में बस दो ही दिन इसके अंदर जा सकते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त, वो भी मतलब ढेर सारे परमिशन लाने के बाद। मेरे पास ऐसा नहीं कि घुस जाओ, गार्ड दो तनाव रहता है यहाँ पर, बिल्कुल ही घुसते ही चलो निकलो गेट आउट ऑफ या ऐसे ऐसे करके पूरा भगा ही देंगे तुम्हें। आज बोर्ड नहीं दिख रहा लेट मी ब्रीथ का, पता नहीं कहाँ गया फिर। और ये बिल्डिंग के अंदर बेसिकली दो ही चीज़ें हैं, एक तो बड़ा सा बास्केटबॉल कोर्ट है और एक जिम है। और ये बास्केटबॉल कोर्ट जो है मतलब अच्छा खासा बड़ा सा है, यहाँ पे जनरली तो भीड़ मची रहती है, पता नहीं अभी कोविड के लिए बंद नहीं है। पूरा बंद है अभी तो। और ये बास्केटबॉल कोर्ट है, और यहाँ पे आपकी जब EV साइड में क्लासेस लगेंगी तो यहाँ पे नाच गाना भी होता है अच्छा खासा। बास्केटबॉल तो खेलने नहीं देंगे, बस नाच गाना ही करवाएंगे इंडियंस से। ये मतलब कोविड के लिए जाली में से ही देख लेना। ये रहा अपना जिम, ये भी बंद है अभी। ग्राउंड तो अच्छा है,
पर अभी क्या करें, सॉकर ग्राउंड में क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलो, क्योंकि क्रिकेट भी ट्रैक्स पे ही खेलो, बस फील्डिंग ग्राउंड पे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उनके ग्राउंड को कुछ हो जाए, ही रहे स्टैंड्स एंड ऑल। ये भी कोविड के लिए मतलब बंद है शायद, उठे हुए हैं, नहीं तो जनरली नीचे होते हैं, मतलब बैठ सकते हैं आराम से। और पता नहीं क्यों रात में लोग खाने के बाद यहाँ पे वॉक के लिए आते हैं, और आते अकेले हैं जाते कपल में, ये है सीन यहाँ का। बढ़िया है जो है, ये अपना गेट था। टाउन से राइट साइड पे आते हैं, यहाँ पे पार्किंग है, अच्छा खासा पार्किंग है, बस कार बाइक्स एंड ऑल सब आ जाती है, अच्छा स्पेस है। फिर अभी आते हैं, अभी इस गेट से निकले हम ग्राउंड से बेसिकली, फिर आगे की तरफ जैसे बड़ा सा बिल्डिंग है ऑफिस का है, मतलब कैशियर या फिर कोई डॉक्यूमेंट का काम कराना हो, हर चीज़ मतलब ऑफिस है, यहाँ पे आके आप करा सकते हो ऑफिशियली कोई भी काम। और इस बिल्डिंग के पीछे ही मतलब अपना वो डेंटिस्ट्री का भी यहाँ पे कॉलेज है, पर इस बिल्डिंग के पीछे ही है, मतलब इसी बिल्डिंग से देखे जाना पड़ेगा। फिर आगे की तरफ देख पा रहे हैं वो इंडियन मेस एक शाइन करके, फिर राइट साइड पे वैसे छोटे मोटे शॉप्स हैं लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स के, फ्राइज एंड ऑल के, अच्छा खासा वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे सीधा सारे कॉलेजेस की तरफ जाता है, जैसे NCB बिल्डिंग हो गया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस तरफ। फिर हम चलते हैं तो राइट साइड पे एक स्टोर आता है, परपेचुअल का ऑफिशियल स्टोर है, मतलब ड्रेस शूज स्कैंट्रॉन रेंट में आप एग्ज़ाम देने के काम आएगा, OMR पेंस एंड ऑल बैचेस सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब पूरा सब कुछ जो भी परपेचुअल में चाहिए होगा आपको। फिर आगे की तरफ चलते हैं तो ये जो बड़ा सा बिल्डिंग है ये NCB का बिल्डिंग है, और ये जो स्पेस है ये कैशियर की तरफ जाता है, और ये जो बड़ा सा बिल्डिंग है यहाँ पे बेसिकली आपका AV साइकोलॉजी का क्लासेस लगेंगे, तो डेली आपको क्लासरूम में अलॉट होंगे उसी हिसाब से क्लासेस लगेंगे, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मतलब स्क्वायर के जैसा है वो। फिर यहाँ पे आते हैं, ये रहा गार्डन जो पूरा बीच में है, और इसको पता नहीं क्यों जापानीज गार्डन नाम रखा हुआ है, तो ऐसा आप इस यहाँ पे आ नहीं सकते क्योंकि आप इंडियन से, जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही नाम है बस, जापानीज गार्डन, अच्छा खासा गार्डन है, मतलब आराम से चिल कर सकते हैं आप आके। पर यहाँ आने से पहले पहले इसका स्पॉट बुक कर ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो शायद ही आपको जगह मिले बैठने का भी, क्योंकि जनरली बहुत रश होता है यहाँ पे कॉलेज आवर्स में, फिलिपिनो इंडियन सब आके बैठते हैं। ये जो आगे ये लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम है वो भी दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं आप NCV पूरा, और नीचे यहाँ पे परपेचुअल का ओपन एक्वेरियम, अच्छे खासे फिशेस हैं, मतलब अच्छा है, मतलब पूरा अच्छे से केयर एंड ऑल लेते हैं, तभी मतलब 2 साल हो गए बचे हुए हैं सब। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं हम लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की तरफ, आगे वाला अच्छा खासा बड़ा सा लाइब्रेरी है यहाँ पे, और वहाँ पे सारे बुक्स एंड ऑल भी मिल जाते हैं अच्छे खासे। और ये NCV का एंट्रेंस है, ये यहाँ से जाएंगे आप NCV के अंदर, और ये रहा लाइब्रेरी, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो पूरा ऑडिटोरियम है, उसमें फंक्शंस एंड ऑल रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे के जो फंक्शंस होते हैं, और छोटे मोटे एक्टिविटीज़ टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ वहीं पर होता है। और ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर आप जा सकते हैं, पर इसका एक रूल है कि लड़के शॉर्ट्स में नहीं जा सकते, इन लोगों को लड़कों के वो जो हॉट से लेग्स होते हैं उससे कुछ पंगा है शायद, पता नहीं क्यों, मतलब अगर आप OP के यूनिफॉर्म में लड़के तो जा नहीं सकते। और ये रहा कैंटीन परपेचुअल का, बेसिकली यहाँ पे फिलिपिनो फूड मिलता है पूरा, तो बड़ा है पर फिलिपिनो फूड अगर ट्राई करना हो तो आ सकते हैं। फिर यहाँ उसके साइड में ये एक सुरंग सा जगह है जहाँ से आप पूल की तरफ जाएंगे, यहाँ परपेचुअल में पूल भी है, अच्छा खासा स्विमिंग पूल है यहाँ पे, टाइमिंग सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं, इट्स ओपन टू इंडियंस ऑल्सो, तो बस एक कूपन लेना होता है 50 पैसों का कैशियर से, वो लेकर आराम से आइए,
और सुबह से लेके शाम तक मजे करिए, मतलब खाली रहता है जनरली, आराम से आ सकते हैं, बस संडे बंद है। और फिर उसके साइड में ये रास्ता जाता है, इसके बिल्कुल राइट वाला जो बिल्डिंग था वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, ये वाला ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, यहाँ पर भी आपके क्लासेस लग सकते हैं इसी साइट में। और इसके बिल्कुल ही सामने है कॉलेज ऑफ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, अच्छा कॉलेज है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फिर ये जो बिल्डिंग है इसके ऊपर के जो दो फ्लोर हैं ये गर्ल्स हॉस्टल है बेसिकली, और यहाँ पे भी लाइक फ्रेंड्स और MMI वाले ही रह सकते हैं। ये रहा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और अब चलते हैं हम चर्च की तरफ। अच्छा मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही चर्च है, मतलब यहाँ पे भी आप लाइक रिलैक्स करना हो, मतलब थोड़ा बहुत पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आ सकते हो, अच्छी रहेगा। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।